दोस्तों, हर साल आपने IPL से पहले होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी को तो देखा ही होगा, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले चल रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों में नीलाम होने वाले इन खिलाड़ियों को असल में उसमें से कितना पैसा मिलता है? तो चलिए हम बताते हैं आपको। मान लेते हैं किसी खिलाड़ी को किसी भी फ्रेंचाइजी टीम के द्वारा 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया, तो नीलामी की रकम का 15% यानी 15 लाख रुपए खिलाड़ी को IPL शुरू होते वक्त ही फ्रेंचाइजी टीम द्वारा दे दिया जाता है, और बाकी पैसा उसके पूरे IPL में खेलने के आधार पर दिया जाता है। इसका मतलब अगर वो खिलाड़ी टीम में होने के बाद भी प्लेइंग 11 में कम मैच खेलता है तो उसको मिलने वाली रकम में कमी आ जाएगी और उसको 1 करोड़ से कम रुपए मिलेंगे। अगर खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो उसे IPL खत्म होने के बाद नीलामी की पूरी रकम दे दी जाती है। पर इतना ही नहीं, इस पैसे पर खिलाड़ी सरकार को TDS भी देता है, और TDS कटने के बाद साल के अंत में खिलाड़ी को अपनी कुल कमाई में से इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है। वैसे IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।